महाविकास आघाड़ी में सीटों पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने 3 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वर्सोवा से हारून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव और विले पार्ले से संदीप नाइक को टिकट दिया गया है। वर्सोवा सीट को उद्धव गुट और कांग्रेस में पेच फंसा था। वहीं घाटकोपर पश्चिम सीट को लेकर शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद गुट में बात अटकी थी। इन तीनों उम्मीदवारों को मिलाकर उद्धव ठाकरे ने अब तक 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने बाला साहब थोराट ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और बताया कि जल्द ही सभी सीटों पर सहमति बन जाएगी। हमने राहुल गांधी की ज्वाइंट रैली के बारे में भी चर्चा की है। माननीय खड़गे साहब, माननीय चीनी थाला जी, उन्होंने और एआईसीसी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली कि कुछ ऐसे निगोशिएशन होते, डायलॉग होते करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि जो माननीय उद्धव जी के साथ करना चाहिए, माननीय पवार साहब के साथ करना चाहिए। तो ऐसे सारे मुद्दे होते हैं कि हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो करने के बारे में है। कुछ ऐसे कि हमारे प्रोग्राम हमें लेने हैं स्टेट में, जिसमें राहुल जी रहेंगे, खुद राहुल जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, पवार साहब रहेंगे, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कौन से टाइम पर लेना चाहिए, डेट क्या होनी चाहिए, ये इस पर सब चर्चा हमने की है। हमें जो कुछ और भी गारंटीज देना है, जाहिरनामा हमने निकलना है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है।